उपस्थित बहन और भाइयों, वैसे तो अखबार का नाम ही रोचक है, फोकस भारत। और इस समय पूरी दुनिया में भारत पर सबका फोकस है, इसलिए अखबार का टाइटल ही प्रासंगिक है। और समाज में जितने काम हैं, कई बार आपको लगता है ना ये काम बड़ा मुश्किल है, ऐसे मुश्किल कामों में एक काम है अखबार निकालना। मैं तो कविता जी की हिम्मत की दाह देता हूं, इतने वर्षों तक इन्होंने अखबार को जिंदा रखा और उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे समय के हिसाब से बदला भी है, इसलिए ये साधुवाद की पात्र हैं, अभिनंदन की पात्र हैं। अखबार केवल कागज का टुकड़ा नहीं होता, और अब तो क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सब चीजें आ गई, पुराना कथन है कि जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो, यानी अखबार में इतनी ताकत है। और हम सब जानते हैं जब जंगे आजादी का संघर्ष हुआ था तो ये तमाम लोग अपनी वाणी से तो संघर्ष करते ही थे, लेकिन लेखनी से भी लोगों के जागरण का काम किया। और इसीलिए आजादी के अनेक जो कारक थे उसमें नेताओं की, उस समय के समाज के लोगों की, ऐसे लोगों की पत्रकारिता के रूप में उनकी प्रतिभा जब मुखरित हुई तो उसमें अंग्रेजों का देश छोड़ना इसलिए संभव हुआ कि उन्होंने हर दृष्टि से ये लड़ाई लड़ी। कई बार तोप निष्फल हो जाती है समाज को जगाने में, लेकिन कलम का अपना एक ताकत होती है, इसलिए कलम की ताकत ये जुल्म से भी लड़ती है, अन्याय से भी लड़ती है और समाज को भी जगाती है। आज इन्होंने जयपुर पॉलिटिकल लीडरशिप अवार्ड 2020 की घोषणा की और जयपुर के ऐसे लोगों को चुना। आपने अपने तरफ से कोशिश की होगी कि तमाम वो लोग जो बहुत जमीनी तौर पर काम करते हैं, लोगों के सुख दुख के भागीदार होते हैं, तो आप इस अखबार के मंच से जो समाज के लिए लड़ता है उसी तरीके से समाज के लिए बदलाव करने वाले उस लीडरशिप को आपने सम्मान के साथ नवाजने का जो फैसला किया, ये भी अद्भुत है। मैं इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आप इस अखबार को संघर्ष करते करते डिजिटल फॉर्म पे लेके आए, ये नई पीढ़ी है और मैं देख रहा हूं कि सबके हाथ में मोबाइल है। पहले एक अखबार को पूरा मोहल्ला पढ़ता था, जो थोड़ा बहुत भी ठीक व्यक्ति होता था उसके पास अखबार आता था, और वो जो मालिक था अखबार का जिसके यहाँ अखबार आता था, बड़ी हसरत से देखते थे कि सेठ जी अपना अखबार पढ़ ले तो अपना भी नंबर आ जाए। स्कूल और कॉलेज की लाइब्रेरी में एक अखबार होता था और उसमें भी जब नंबर आता था पढ़ पाते थे। समाचारों की सूचनाओं का या तो माध्यम रेडियो था या अखबार था, रेडियो भी ऐसे आसानी से उपलब्ध नहीं था। पुराने समय को दहेज में जरूर मिल सकता था, आपके हमारे पुरखों को साइकिल, रेडियो, घड़ी, ये दहेज के बड़े लग्जरी आइटम हुआ करते थे, तो रेडियो जब वो मिलता था तभी सुन पाते थे। इसी तरीके से अब बदलाव आया देश में, दुनिया में जो संचार क्रांति हुई और पूरी दुनिया को एक हथेली में समेट के रख दिया, आज सूचनाओं के लिए आपके हाथ में वो साधन है जिससे आप दुनिया की सारी खबरें ले सकते हैं। इसलिए डिजिटल फोरम पर जब कोई अखबार उतरता है तो वो भी कोई चुनौती से कम नहीं होता है। अखबार चाहे कागज का हो चाहे डिजिटल हो, उसकी निष्पक्षता, निर्भीकता और प्रमाणिकता ये भी मायने रखती है कि आप लिख क्या रहे हैं, पाठक को दे क्या रहे हैं, उसकी उसमें रुचि कितनी है, मर्यादाएं कितनी है।
सनसनी पैदा करने के लिए और टीआरपी बढ़ाने के लिए बहुत उपक्रम है। उससे किसी का भला तो हो सकता है, लेकिन कई बार ऐसी सनसनी से समाज का भला नहीं होता। इसलिए लेखनी जब तक निरपेक्ष नहीं होगी तब तक आपकी भूमिका के साथ न्याय नहीं होगा। संघर्ष करते करते भी, कागज से भी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी, मैं एक बार फिर से कविता जी को फिर छानुआ दूंगा कि आपने इस गरिमा को ठीक तरीके से निभाया है और वास्तव में आप अभिनंदन की पात्र हैं। इसलिए मैं फोकस भारत के उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं और मैं केवल सामान्य तौर से नहीं, इस मंच से भावनात्मक रूप से भी जुड़ा हूं। यदि मुझे याद है तो ये था या आगे बढ़ा इंद्रलोक में, चलो लोकेशन एक ही पड़ोस में ही हुआ था। तो जब आपने कुछ वर्षों पहले कार्यक्रम किया तब भी मैं उसका साक्षी बना था और आपने मुझे बुलाया, हालांकि समय परिस्थितियां इजाजत नहीं दे रही थी किसी भी तरीके से, लेकिन मुझे लगा कि आपने मुझे इतना गौरव और सम्मान दिया है तो मैं उसका सम्मान करूँ। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।